हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आप लोग हमें जो कमेंट करते हैं उस कमेंट का जो वाकई में आप लोगों को जवाब देने लायक है, जो वीडियो टॉपिक हो या फिर आपका जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है जिस कन्फ्यूजन को लेकर के आप घूमते रहते हैं, वही सब सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है उन्होंने पूछा है, पूजा वर्मोला NCC कैडेट, सर पहले चश्मा लगाया था अब नहीं तो बाहर होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। अब देखिए, पहले आपके देखिए लोको पायलट का मेडिकल टेस्ट में क्या होता है कि आप जब जाते हैं आँख टेस्ट करवाने के लिए तो वहाँ पे आपके आँख में चश्मा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए पहले आपके बचपन में चश्मा आप लगाते थे और अभी आपकी आँखें ठीक हो गई और फिर आप अभी चश्मा नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मेडिकल में जा सकते हैं और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब आपको बाहर नहीं करेगा। जब तक आपकी आंखें ठीक है बिना चश्मा के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं, आप लोको पायलट ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भले आपको चश्मा लग जाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्यूटी में रहेंगे। अगला सवाल है, सर RRB का फॉर्म जो है कहाँ पर भरना है? अभी देखिए RRB का फॉर्म यानी रेलवे रिक्रूटमेंट का जो बोर्ड का जो फॉर्म है वो भी फॉर्म अभी आई नहीं है, और जैसे ही आएगी वो आपको RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी। वो RRB का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जैसे RRB ये चंडीगढ़ जैसे कि rrbcdg.gov.in, यानी RRB चंडीगढ़ का जो वेबसाइट है वो सबसे पहले आपको न्यूज़ देगा, ठीक है। RRB चंडीगढ़ का जो वेबसाइट होगा वो आपको सबसे पहले न्यूज़ देता है कि कोई वैकेंसी आई है या फिर नहीं आई है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो 29/9/2023 को जो लेटेस्ट जो वैकेंसी मतलब कि इसकी न्यूज़ है वो यहाँ पर, एडिशनल पैनल 44 पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ऑफ CEN 01/2018, यानी कि 2018 में जो टेक्नीशियन की पोस्ट पे जो भर्ती आई थी वो इसके बारे में वहाँ पे डेट दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि 2018 वाली वैकेंसी अभी भी पूरा नहीं हो पाई है और सरकारें जो है उसको चुनाव के ख्याल से इस्तेमाल कर रही है, तो इस हिसाब से वैकेंसी निकलती है। खैर हमें उस पर नहीं आना है, जो भी लोग तैयारी करते हैं वो तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी आज न कल 100% आएगी बिल्कुल। अब देखिए अगला सवाल है GK मास्टर का, इज वेल्डर एलिजिबल फॉर ALP, वेल्डर ट्रेड जो है वो लोको पायलट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है? देखिए टोटल 15-16 ऐसा ITI का ट्रेड है। देखिए अभी थोड़ा सा दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो बगल में मंदिर है तो वहाँ से कुछ हनुमान चालीसा हो रही है, तो खैर इसको आप इग्नोर कीजिए, धार्मिक चीज़ें अपनी जगह पर चलती रहेगी, हमारी वीडियो भी अपनी जगह चलती रहेगी। तो आइए आप लोगों को बताते हैं अपने मास्टर नोट्स में से, और हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बिकम लोको पायलट, और उस किताब के माध्यम से आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन सा कहीं तो होगा, बिकम लोको पायलट वो उस किताब में हमने सारा जानकारी लिख के रखा है कि कौन कौन सा ITI का ट्रेड है जो एलिजिबल है। आइए इसी में देख लेते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या फिर ITI का कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसको कि करने के बाद आप लोको पायलट बन पाएंगे। देखिए वो ट्रेड ये रहा, आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। चौथा है आपका फिटर, पांचवा है हीट इंजन, छठा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सातवां है मशीनिस्ट, आठवां है मैकेनिक डीजल, नौवां है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसी को MMV कहा जाता है, दसवां है मिल राइट, ग्यारहवां है मेंटेनेंस मैकेनिक, बारहवां है मैकेनिक रेडियो एंड TV, तेरहवां है
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसी को RAC कहा जाता है। अगला देखिए, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन, ये टोटल 16 ऐसा ITI ट्रेड है जिसको कि अगर आप कर लेते हैं तो आप लोको पायलट बन पाएंगे, अन्यथा इसके अलावा कुछ और ITI करते हैं तो इससे आप लोको पायलट नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा देखिए, अब देखिए RRB ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है ALP क्वालिफिकेशन के लिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस और ITI रिकॉग्नाइज बाई SCBT या NCBT। देखिए SCBT NCBT दोनों लिखा हुआ है, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि SCBT है मेरा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। 10th प्लस में ITI चाहिए या फिर 10+2 प्लस चाहिए अप्रेंटिस, तो 10+2 अप्रेंटिस बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन रेयर केस में एक दो स्टूडेंट मिलते हैं तो उसके लिए है कि एक अप्रेंटिस सिस्टम होता है, जैसे 10+2 कर लिया उसको अप्रेंटिस कर लिया। जैसे कि देखिए, वैसा एक स्टूडेंट हमको आज तक कभी मिला ही नहीं, पता नहीं किस तरह से यहाँ पे लिखा गया है 10+2 प्लस अप्रेंटिस, और अप्रेंटिस जो ITI के बाद ही होती है, तो 10+2 के बाद अप्रेंटिस होती कहाँ है, हो सकता कहीं पे होती होगी। देखिए ITI 10th प्लस ITI, इसके अलावा डिप्लोमा भी चाहिए, और डिप्लोमा कौन कौन सा ब्रांच है उसका नोट कर लीजिए, मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और हायर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए हायर क्वालिफिकेशन भी दिया है, यानी कि BTEC या फिर BE चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आइए हम लोग अपने कमेंट पर आ जाते हैं। यहाँ पे तो आपका जो भाई है GK मास्टर वेल्डर जो ट्रेड है वो ALP के लिए एलिजिबल नहीं है। अगला जो है, दो जगह से नहीं भर सकते हैं क्या? अब देखिए फॉर्म जब निकलती है, ममता बनर्जी 2009 में बनी थी, मतलब भारत की रेल मंत्री, तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि कोई भी स्टूडेंट मतलब एक पोस्ट के लिए ऑल इंडिया में बस एक ही वैकेंसी निकलेगी, उसी से सभी स्टूडेंट फॉर्म डाल पाएंगे। और कोई स्टूडेंट सोचता है कि चलो यार 21 रेल भर्ती बोर्ड है, सभी जगह पे कहीं कहीं फॉर्म डाल दें, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो फॉर्म जब भी आप डालिएगा वो एक ही जगह से डालिएगा, अन्यथा अगर आप दो जगह से फॉर्म डाल दीजिएगा तो दोनों जगह का फॉर्म हो जाएगा आपका रिजेक्ट, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये थोड़ा होशियारी मत कीजिएगा कभी भी। अगला सवाल है, आप कोचिंग देते हैं क्या? तो हमारा कोचिंग ऑनलाइन चलती है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन हमारी जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्लासेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला देखिए, सर का ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होती है? देखिए ये एग्ज़ाम होती है CBT, तीन एग्ज़ाम होती है CBT 1, CBT 2, CBT 3, और CBT का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर पे टेस्ट होगी, और वहाँ पे आपको मतलब कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा, दूसरी साइड में आंसर शीट आएगी, उसमें आपको क्लिक करना है, और ऑप्शनल होती है, चार ऑप्शन होती है इसमें। अगला देखिए सवाल आपका है, जो ज़रूरी सवाल है वही उसी का हम जवाब देते हैं, प्राइवेट से ITI किया है ALP का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते? देखिए आप ITI प्राइवेट से कीजिए या फिर सरकारी से कीजिए, दोनों जगह के सर्टिफिकेट में कभी ये नहीं लिखा था कि प्राइवेट ITI सरकारी ITI है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ITI का सेम वैल्यू है, और दोनों का सर्टिफिकेट NCBT से बने या फिर SCBT से बने, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्राइवेट ITI से अगर आप करते हैं ITI, तो आपको प्राइवेट लोग ITI कॉलेज चलाते हैं तो उसको आपको फीस देना पड़ता है, 60-70 हज़ार का फीस आता है 2 साल की, और सरकारी से अगर आप ITI करते हैं तो उसके लिए आपको आपका मेरिट मतलब कि अगर कहीं किसी स्टेट में क्या होता है कि आपका 10th के मेरिट के हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलती है, और कहीं पे क्या होता है टेस्ट के आधार पे, यानी कि उसमें मतलब इंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है, उसमें आपको नंबर अगर आता है तो आपको वहाँ पर, एक तरह से अगर आप पढ़ाई में तेज़ हैं तो आप टेस्ट दीजिए, वहाँ से पास किए तो आपको सरकारी में एडमिशन मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको पैसा नहीं लगेगा, और प्राइवेट में पैसा लगता है। सर हम ALP ज़रूर बनेंगे आपके आशीर्वाद से। देखिए मेरे आशीर्वाद से तो कभी भी आप ALP नहीं बन पाएंगे, आप पढ़ाई करेंगे और हमारा गाइडेंस रहेगा तो आप 100% बन जाएंगे। खैर आपकी भावना को हम कदर करते हैं और आप ज़रूर बने, अगर मेरे आशीर्वाद से बने
लोको पायलट, तो हम सबको आशीर्वाद देना चाहेंगे। देखिए सर, एएलपी के लिए सीबीटी 2 के बी वाले पार्ट में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी भी आता है, और ये कितने नंबर का होता है? देखिए ये स्टूडेंट जो है परमीन, उन्होंने पूछा कि सीबीटी 2 के पार्ट बी में जो होता है क्वेश्चन वो किस तरह से आता है, उसको कहा जाता है ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट में जो आपने जो सिलेक्ट किया हुआ ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो या डेल मैकेनिक, कुछ भी जो आपने ट्रेड सेलेक्ट किया होगा, उसी ट्रेड में से आया क्वेश्चन कितना 75। और इनका क्वेश्चन क्या है कि पार्ट में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी भी आता है, इनका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या फिर थ्योरी लिखना भी होता है, तो लिखने वाला कुछ बात नहीं है। 75 क्वेश्चन आपका जो आपका थ्योरी का जो बुक होता है उसी में से आ जाती है, और आपको उसमें 26 नंबर लाना है। 26 नंबर लाइए और आप हो जाइएगा बिल्कुल पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सर, हम आईटीआई कर रहे हैं, 10th में 58% है एएलपी के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए आपका यहाँ पे कभी भी नहीं कहा गया है कि आप इतना परसेंट नंबर आप लाइए, ठीक है, तो वो कभी नहीं कहा गया है। तो इसलिए अगर आप पासिंग भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप फॉर्म डाल पाएंगे। आपका तो क्या 58% है। देखिए भाई, मैंने 2013 में 10th पास होने के बाद पढ़ना छोड़ दी थी, अब मैं लोको पायलट की तैयारी करना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ सर जी, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए 2013 में आपने 10th पास किया, उसके बाद आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, और अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं तो आईटीआई कर लीजिए, और साथ ही साथ एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखिए 10th पास होना, 12th पास होना, आईटीआई डिप्लोमा, बीटेक, बीटेक ये सब करना कोई इम्पोर्टेंट मतलब कोई बड़ी बात नहीं, वो हर कोई करके बैठा हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग करके बैठा हुआ है जो अभी फॉर्म डाल सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका पढ़ाई करके उस लेवल की तैयारी हो जाना, और उस लेवल की तैयारी कब होगी, जब आप दिन रात एक करके पढ़ाई करोगे, किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, या फिर आप सही सिलेबस और सही पैटर्न के अनुसार आप पढ़िएगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगला जो सवाल है आप लोगों का, सर आरएसी ट्रेड बिल्कुल एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, क्या मैं लोको पायलट बन सकता हूँ, इनका ये कहने का मतलब था। देखिए कोई अमीर और गरीब तो होता ही अपना किस्मत से होता है, वो आपको विरासत में मिली है। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में ही हैं और आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं, इसमें आपका कोई हाथ है? बिल्कुल भी आपका कोई हाथ नहीं है। आपके जो बैक फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड में जो भी है, तो मतलब कि आपका जो विरासत में आपको मिला है, चाहे आपको अमीरी मिले या फिर गरीबी मिले, अगर आप गरीब हैं और गरीब ही रह गए सब दिन, और आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और आप अमीर हैं और आप ये अमीर का घमंड कर रहे हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। देखिए बड़े बड़े लोगों को देखते हुए आप काम करते हुए, तो देखिए दुनिया में आए हैं तो जो आपको मिला है उतना, उससे ज़्यादा आप रिटर्न करके जाइए, तभी तो ये धरती का विकास हो पाएगा, आपके मानव जाति का विकास हो पाएगा। मानव जाति छोड़िए, आप अपनी फैमिली का विकास करेंगे, तो आपको जितना मिला है उससे ज़्यादा आप अपने आने वाली पीढ़ी को आप दे के जाइए, तो आपका विकास होगा। अब देखिए इस स्टूडेंट का कहने का मतलब ये हुआ कि शुभम राउत नाम का स्टूडेंट है, और वो बोल रहे हैं कि वो हम बहुत गरीब फैमिली से, क्या करें हम, लोको पायलट कैसे बन पाएंगे। देखिए गरीबी एक बहुत मतलब कि बहुत बुरी चीज़ होती है अपने आप में, और अच्छी चीज़ भी होती है, आपको आगे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करती है। तो आप लोग अगर आप गरीब हैं और स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है, आप क्या करिए, आप दूसरे बच्चों को पढ़ाइए, आप शाम के समय 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम निकालिए, दूसरे बच्चों को पढ़ा दिए। अगर आप 15-20 स्टूडेंट को ही पढ़ा दिए तो आपको आपके लिए 5-6 हज़ार रुपये आराम से आ जाएंगे। अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो आपके लिए उससे ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा दीजिए और वहाँ से आप पैसे इकट्ठा कीजिए, 4-5 हज़ार तो आप ज़रूर कमा लेंगे, उससे आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगता है, मैंने हज़ारों लोगों को देखा हुआ कि 100 रुपये के लूसेंट खरीद करके नौकरी लेते हुए,
तो इसलिए गरीब अपने आप को मत बोलिए, गरीबी को दूर करने का कुछ उपाय कीजिए और उस आधार पे आप आगे बढ़िए। और कभी भी गरीबी के वजह से अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए कि हम गरीब हैं कैसे करें तैयारी। इसमें लाखों रुपया नहीं लगता है, बस कुछ हज़ार रुपये लगता है, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार तक इन्वेस्ट कीजिए और आप नौकरी लायक आप तैयारी कर लेंगे। और गरीबी बहुत, अगर आपको नौकरी लेना है तो गरीबी आपके लिए एक सार्थक चीज़ साबित होगी कि उस वजह से आप नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि आपको नौकरी 100% चाहिए ही चाहिए आपको नहीं गरीबी के दूर करने के लिए। देखिए गरीबी की जंजीर को तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, वो है नौकरी। अब देखिए कि सर किस ट्रेड से अच्छा रहता है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए आईटीआई अगर आप करेंगे तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेड है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को हम सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेड मानते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है और इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो बहुत आसान होता है। क्लास 9th 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आप 12th किए हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं तो मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा ना ट्रेड टेस्ट में वो आप पहले से जानते हैं, वही सवाल आएगा। और अगर आप फीटर से कर लेते हैं, डीजल मैकेनिक्स कर लेते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि आते हैं उसके थ्योरी मतलब कि सिलेबस से। आप हमारे कहने का मतलब समझ गए कि इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो और सब ट्रेड टेस्ट के मुकाबले बहुत आसान होते हैं, वो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। और जो फीटर का ट्रेड टेस्ट है या फिर डीजल मैकेनिक है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब का जो ट्रेड टेस्ट है वो अपेक्षाकृत इलेक्ट्रीशियन का अपेक्षा भारी है अगर आप आईटीआई में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो बेस्ट ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन है, उसको करते हुए आप लोको पायलट बन सकते हैं। अगर आपका शौक़ है कि हम फीटर से ही करें तो शौक़ के आगे कोई चीज़ नहीं होती है कि लोग 50 किलोमीटर दूर भी जाते हैं शौक़ से चाय पीने के लिए। तो आप बेसिक कर सकते हैं, फीटर से भी कर सकते हैं, किसी भी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करके लोको पायलट ही बनना है तो आप इलेक्ट्रीशियन से कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। सर विच ट्रेड फॉर आईटीआई इज बेस्ट फॉर लोको पायलट, यानी लोको पायलट के लिए? देखिए कोई भी ट्रेड कीजिए, मतलब अगर आप करने वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन कर लीजिए, अगर आप कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी तैयारी कीजिए। सभी के लिए रेलवे समान रूप से मौका देता है, आप कंपटीशन पास कीजिए, नौकरी पा जाइएगा। आगे देखिए बड़ौनी से, अच्छा बड़ौनी मेरे पास में ही है। सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या इसमें? देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 साइको टेस्ट को छोड़ करके। साइको टेस्ट में किस तरह की होती है नेगेटिव मार्किंग वो साइको वाला ही जाने, ठीक है। लेकिन CBT 1 और CBT 2, साइको टेस्ट का नेगेटिव मार्किंग का अलग सिस्टम होता है, CBT 1 और CBT 2 में जो नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप 3 गलती करते हैं तो उसके बदले में आपको एक सही अंक काट दिया जाएगा। यानी आप ये सोचिए कि एक सही अंक के लिए, एक सही क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलता है, तो एक गलत आंसर देने के लिए आपको 0.3 नंबर कट जाती है। यानी 100 रुपये कमाते हैं और आप गलत करते हैं तो आपको 33 रुपये जाएगा। अब देखिए SCBT अलग अलग स्टेट में डाल सकते हैं क्या? अब देखिए लोको पायलट जो है वो किसकी संपत्ति? भारत सरकार की, राज्य सरकार की संपत्ति है नहीं, इसलिए लोको पायलट की भर्ती में स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहता है। आप यूपी का बंदा असम में जाकर फॉर्म डाल सकता है, असम का बंदा गुजरात में जाकर फॉर्म डाल सकता है, गुजरात का विद्यार्थी साउथ में जाकर डाल सकता है फॉर्म, साउथ का विद्यार्थी नॉर्थ में आ सकता है। तो ऑल इंडिया में आपके लिए समान रूप से जगह निकलती है और इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी डाल दीजिए। SCBT स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट होती है ITI में, SCBT NCBT सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं है, बस सिर्फ नाम का अंतर है, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए अपने आप में। अब देखिए हेलो भाई, मेरी हाइट 5 फीट है, क्या मैं लोको पायलट बन सकता हूँ? पर मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। वेरी गुड, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो उससे रेलवे को कोई दिक्कत नहीं है, 5 फीट भी है, 4.5 फीट भी है, इससे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है रेलवे को। और हाइट कभी चेक नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपने, अगर आपका हाइट थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत सारे इतने छोटे छोटे लोगों को लोको पायलट में देखा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हाइट मांगा जाता, हाइट बिल्कुल नहीं मांगा जाता, वो चेक भी नहीं किया जाता है कि आपकी कितनी हाइट है। ALP बन के दिखाएंगे, वेरी गुड। इलेक्ट्रीशियन ITI मास्टर नोट्स, ALP की ट्रेनिंग कैसे होती है इस पर वीडियो बनाइए। देखिए ALP की ट्रेनिंग मतलब क्या,
उसमें क्या होता है कि आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 150 दिन की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों तरह के इंजन के, सबसे पहले तो आपको रेलवे के नियम कानून का एक किताब होता है इतना मोटा सा, वो रेलवे के सभी कर्मचारी को पढ़ना है, बेसिक जो रूल है उसको, बेसिक रूल आप किताब से पढ़ लीजिए, आपका क्या जिम्मेवारी है, रेलवे को कैसे आप बचा कर रखेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नैतिक जिम्मेवारी आपकी जो भी रेलवे के प्रति वो चीज़ रखिए, समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, वो सारे चीज़ पढ़ाया जाता है। पहले किताबी ज्ञान इस तरह दी जाती है कि बेसिक जो रूल है, नियम क्या है, हर तरह के नियम, हमारा जो देश है भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे नियम पहले से लिखा हुआ है, उस नियम को, जैसे जो भी नियम है वो ऑल ओवर इंडिया में सेम नियम माना जाता है हर जगह के, रेलवे स्टाफ के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, ट्रेन के लिए। तो आप उस नियम को पहले पढ़ के याद कीजिए सारे नियम को, उसके बाद आई बारी किसकी, आप ट्रेन चलाने की, तो आपको किस तरह से ट्रेन को चलाना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे हॉर्न दबाना है, जो भी चीज़ें ट्रेन के इंजन के बारे में है, इंजन के सारे फैसिलिटी क्या सब है, इंजन के जितने भी पार्ट पुर्जे उसके क्या सब काम है, इंजन के पार्ट पुर्जे में जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम है, इसके अलावा मतलब कि उसमें डीजल डलता है, पानी डलता है, वो सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद इंजन कैसे काम करता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, आपको कैसे पहचान करना है कि ये ट्रेन अब मेंटेनेंस में जाएगा, आपको कैसे पहचान करना है कि इस ट्रेन का मतलब कि कितना स्पीड मैक्सिमम जा सकती है, या फिर ब्रेक किस तरह से लगानी, हर एक तरह की चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी, हर तरह के इंजन में जो भी अभी इंडिया में चल रही है। इसके अलावा कुछ बेसिक बताए जाए कि ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी कहाँ तक है, आगे फ्यूचर में किस तरह के ट्रेन होंगे, किस तरह के इंजन होंगे, और कोई नया इंजन जब आएगा मान ली तो उसकी आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आपको रूट की ट्रेनिंग दी जाती है 1 महीने की लगभग में, जैसे कि आप जब आपकी पोस्टिंग जहाँ पे होगी तो वहाँ से और जहाँ तक आपके एरिया कवर करता है वो सारे जगह के रूट को आपको बताया जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा कहाँ पर कौन सा सिग्नल है, सिग्नल कहाँ पर है, उसके बाद जो फाटक होते हैं जैसे कि रेलवे गुमती जिसको बोलते हैं, वो किस साइड पे आते हैं, कहीं पे लेफ्ट है तो कहीं राइट होता है, और कहाँ का मतलब वो आपको पूरा चीज़ याद करवा दें आपके एरिया में। आप दूसरे, ऐसा नहीं कि आप बिहार से ट्रेन उठाए और दिल्ली चले गए, बीच में बहुत सारे लोगों पर चेंजिंग होती है, तो ट्रेनिंग में यही सब चीज़ सिखाई जाती है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, ट्रेनिंग में के बाद आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम पास करते हैं फिर आप आ जाते हैं ट्रेन चलाने के लिए। तो इसमें अब देखिए सर, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट में ड्राइवर कौन होता है, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट में ड्राइवर कौन होता है, तो देखिए किसी की भी भर्ती जो है लोको पायलट के रूप में नहीं होती है। आप ही मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदते हैं और शोरूम से आप घर चलाते हुए थोड़े ना आ जाते हैं, आप कभी ट्रेन मतलब कि आप मान लीजिए 4-व्हीलर खरीदे हैं और आपको आप उसको चलाना नहीं आता है तो फिर आप सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा थ्योरी बताया जाता है कि कौन सा इंजन का क्या सब काम होता है सब कुछ। उसके बाद जब आपका असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में आपको वहाँ पे जिम्मेवारी दी जाती है, तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में आपसे हर तरह के ट्रेन पे आपकी ड्यूटी लगती है। असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में आप राजधानी एक्सप्रेस को भी चलाइएगा, उसमें भी एक लोको पायलट होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। तो ALP का मतलब हुआ असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट मतलब LP लोको पायलट। तो देख बेसिकली बोलचाल की भाषा में असिस्टेंट लोको पायलट को ALP कहा जाता है और जो मेन लोको पायलट है उसको ड्राइवर या फिर लोको पायलट बोल दिया जाता है। तो दोनों में लोको पायलट हुआ सीनियर और असिस्टेंट लोको पायलट हुआ जूनियर, जिसके 5-7 साल हो गए ड्यूटी उसका प्रमोशन हो गया बन जाता है लोको पायलट, यानी इंजन का पूरा कमान उसी के हाथ में, और असिस्टेंट लोको पायलट उसको जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है, उसका काम होता है बस सिग्नल देखो और लोको पायलट को बताओ, आगे देखो कोई बाधक तो नहीं है, या फिर ट्रेन में चेकअप वगैरह करना, मतलब कि एक से भले दो हर तरह की चीज़ों को दो लोग मिलकर के देखेंगे, और आपसे लोको पायलट जो है उनसे सीखना होता है कि कैसे कैसे ट्रेन चलती है, कहाँ पे ब्रेक कैसे लगाया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आगे जब कोई जानवर कट गया या फिर आदमी आ गया उस सिचुएशन में क्या सब करना चाहिए, या फिर जो लोको पायलट जो पहले से काम कर रहे हैं उससे आपको सीखना होता है कि कैसे चलती है गाड़ी,
उसके बाद फिर आपके हाथ में कंट्रोल दिया जब आप लोको पायलट बन जाते हैं, तो दोनों में कोई अंतर तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है। लेकिन आप जब स्टार्टिंग करते हो उसको कहता है असिस्टेंट लोको पायलट, और जब आप मेन लोको पायलट बनते तो उसको कहता है लोको पायलट। और लोको पायलट ग्रुप में किसी की भर्ती बिल्कुल भी नहीं होती, वो प्रमोशन से बनता है, उसके लिए टाइमिंग चाहिए, 5 साल 7 साल का समय लगता है उसमें। ठीक है, कुछ और सवालों को लेते हैं। एक्चुअली में जिस सवाल को लेना है हम वहाँ पर लाइक कर दिए हैं। देखिए सर, बॉडी में थोड़ा सा जला हुआ है तो क्या होगा? मेडिकल टेस्ट में देखिए, कहीं पे किसी का टैटू है, किसी ने बाबू सोना लिखवा लिया, दिल का चित्र बनवा लिया, गुलाब का फूल बनवा लिया, किसी ने अपनी माँ का नाम लिखवा लिया, तो उस तरह का दिक्कत, कहीं पे कुछ जल गया, कट गया था हल्का सा, तो निशान वगैरह जो होती है, तो आर्मी का जो लोग मतलब मेडिकल में देखे हुए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हर एक चीज़ को फॉलो किया जाता है, तो लोको पायलट में वो सब मेडिकल में वो सब दिक्कत नहीं आती। आपको कहीं पर जल गया, जले का निशान है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। आपका जो पूरा बॉडी है वो सही रूप से काम करना चाहिए, आंखें आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बीमारी मतलब कि ऐसा कैंसर, डायबिटीज का जो लास्ट स्टेज पेशेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा एड्स की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ चेक होती है। मोटिवेट करने के लिए थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको आपको हमारी बातें अगर मोटिवेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मोटिवेट होके पढ़ाई मत छोड़िएगा। लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन अपने आप में एक नशा होती है। आप किसी बात का मोटिवेट ले लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो मोटिवेट होइए या ना होइए, पढ़ाई मत करना, पढ़ाई मत बंद कीजिए। अभी हम देखें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई बंद करके बैठे हुए हैं, वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, जब आप RRB का एग्ज़ाम निकाल लिए हो तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? तो देखिए मेरा शौक़ है टीचिंग करना, इसके अलावा हमारे समाज के प्रति, हमारे घर के प्रति कुछ ऐसे काम है जिसको कि मुझे करना है और मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नौकरी में इंटरेस्ट नहीं था। और नौकरी किसको किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है आप अपने आप में फील कीजिएगा, जो अपने फैमिली बैकग्राउंड उसका बिल्कुल सही है, और मतलब उसको आगे कुछ टेंशन नहीं है, उसको ना तो घर बनाना है, ना बहन की शादी करवानी है, ना ही कर्जे उतारने हैं, और ना ही उसके खुद का कुछ सपना होगा, तो वो नौकरी कर सकता है बिंदास रूप से। लेकिन हमारे कुछ ऐसी जिम्मेवारियाँ थी जिसके लिए हम नौकरी नहीं कर सकते थे, और मुझे पसंद भी नहीं है, और मुझे पसंद है आप लोगों को इस तरह से पढ़ाना, ये तो हमारा मेन काम है। इसके अलावा कुछ और ऐसे काम है करना जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है, तो हम ऐसे काम करना चाहते हैं जो मुझे मतलब कि का अच्छा लगे, मुझे अपने आप में अच्छा लगे। तो मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है, एक तरह के काम हमेशा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, और ये काम 2016 से कर रहे हैं। हाँ थैंक यू सो मच मेरे ऊपर कमेंट करने के लिए। एक स्टूडेंट जो बोलता है कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ट्रेड से ITI किया तो लोको पायलट बन सकते हैं, आप लोको पायलट नहीं बन सकते, वो लिस्ट में नहीं है ड्राफ्टमैन। आपको पहले सोचना चाहिए था लोको पायलट मतलब कि ITI करने से पहले, लेकिन आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। मैं ALP जरूर बनाऊंगा अपनी मेहनत से। और कौन है अक्षम्भे नाथ बाबा एंड माता पिता के आशीर्वाद से, चलिए ऑल दी बेस्ट भाई, ITI में फिटर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कुछ सवाल होंगे तो आप इस वीडियो में कमेंट कर लीजिए। अगले सप्ताह जब हम इस तरह के वीडियो बनाएंगे तो आपका सवाल हो सकता है आ जाए, और आप कुछ ऐसा सवाल पूछिएगा जो कि जो रेयर हो, कॉमन हो, जो इसमें हम सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। और आपको कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ सीरीज और हम शुरू करने वाले हैं, जो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और फिर हम उसके जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, या ग्रुप डी की, या फिर रेलवे में किसी पोस्ट की, तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। हमारा कोचिंग जो सबसे ज़्यादा फास्ट हम आपको तैयारी करवाएंगे और बिल्कुल 0 लेवल से करवाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8406 89 111 6।
आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कहाँ गया हमारा नंबर? हमारा नंबर 8406891116 है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।